हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो वीडियो में ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम वेफाई लोगो मॉडल के पार्ट फोर में बनाएंगे कंप्रेसर, बैटरी बॉक्स, रूफटॉप एलिमेंट्स और कुछ डिटेलिंग्स। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैं पहले मिनी हुड बना लूँगा, जिसके लिए मैंने इस तरह का एक ट्राइंगल पीस काट लिया है, बहुत ही छोटा सा है। तो इसी तरह का आप लोगों को भी काट लेना है और हुड के एकदम सेंटर पोजिशन में। यहाँ पर अपना लोको बॉडी ले लिया। अभी इसके बाद लगाना कहाँ है, इसको लगाना है ट्रांसफार्मर के राइट हैंड साइड में, जहाँ पर बड़ा वाला विंडो है ना, ठीक उसी साइड में इधर बैटरी बॉक्स को लगा देना है। दूसरे साइड को भी उधर लगा देना है। लगाने के बाद आप लोग देखोगे कि दोनों बैटरी बॉक्स ऑपोजिट डिरेक्शन में है। तो वीडियो में ध्यान से देख लीजिए, दोनों ऑपोजिट डिरेक्शन में। और जो खाली बचा हुआ हिस्सा है उधर हम लोग कंप्रेसर लगा देंगे। तो आइए अभी आ जाते हैं कंप्रेसर में, जहाँ पर मैंने बाद में कंप्रेसर छोटे छोटे साइज़ में बना लिया था। तो रियल फ़ोटो में देख लीजिए और मेरा बनाया हुआ कंप्रेसर देख लीजिए कैसा लग रहा है। तो देखो यार, बात ऐसा है कि मैंने यहाँ पर कंप्रेसर कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, क्योंकि यार कंप्रेसर इतना छोटा है ना और इतने सारे डिटेलिंग से आप लोगों को वीडियो में दिखाऊँगा तो कुछ नहीं समझेगा। तो इससे अच्छा मैंने कंप्रेसर ऐसे खुद से बना लिया है जैसा सेम टू सेम है, और इसको लोकोमोटिव के बॉडी के नीचे लगा दिया है। तो हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। तो अभी बना लेता हूँ मैं ऊपर रूफ़ के ऊपर बने हुए इक्विपमेंट्स को। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक एलुमिनियम का वायर ले लिया है, उसको
वीडियो में जैसा दिखा रहा हूँ उसी तरह का फोल्डिंग करके बना लूँगा। तो वीडियो को ध्यान से देख लीजिए किस तरह से मैंने यहाँ पर इसको फोल्ड कर करके एक डिज़ाइन जैसा दे दिया है, जिगजैग करके ऐसा बनाना है। और हाँ, इस वायर को जितना भी ये जिगजैग डिज़ाइन देने के बाद जो भी बचा पूरा लेंथ होता है वो है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बना के कंप्लीट हो चुका है। ठीक इसी तरह का एल्यूमिनियम के वायर को जिगजैग शेप में बना लेना है और इसके नीचे ऐसे लंबे लंबे स्टैंड जैसे कुछ तो होते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 5 मिलीमीटर के अगरबत्ती स्टिक्स को 5 मिलीमीटर की लंबाई में काट लिया है। तो वीडियो में जैसा देख रहे हैं जिस जिस जगह में मैंने यहाँ पर सुपर ग्लू से प्लेस किया है ठीक उसी जगह पे आप लोगों को भी बना के लगा देना है। ध्यान में रखना है कि ऊपर नीचे ना हो, एकदम सेम लेवल का दिखना चाहिए, तभी लोकोमोटिव का ऊपर का रूफ ब्यूटीफुल दिखेगा, है ना। जो चीज़ बना रहे तो अच्छे से लगना ही चाहिए, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी इसको रूफ के ऊपर ठीक इस जगह पे हम लोग प्लेस कर देंगे। तो इसको लगाने के बाद कुछ इस तरह का दिख रहा है। और हाँ, इसको और थोड़ा स्ट्रेंथ देने के लिए मैंने इसके नीचे फेविक्विक से इसको और थोड़ा स्ट्रेंथ दे दिया है, क्योंकि यार ऑब्वियस है इसको और थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फेविक्विक तो लगाना ही पड़ेगा। तो बाकी का बचा हुआ मिडल एरिया में जो खाली हिस्सा है उधर भी मैंने 4 मिलीमीटर के स्टिक को 3 पीसेस में काट के इधर सुपर ग्लू से लगा दिया है। ठीक इसी जगह में प्लेस कर देना है। तो लगाने के बाद कम्प्लीटली कुछ इस तरह का दिख रहा है और अभी थोड़ा लुक लगने लगा है कि हाँ ये एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है ना। तो इतना तक बनाने के बाद अभी और भी ऊपर के कॉयल सिलेंडर क्या पता नहीं क्या क्या इन लोगों को बोलते हैं, रियल वर्ल्ड में जैसा दिखता है मैंने ठीक वैसे ही फ़ोटो देख देख के बना दिया है। तो इस तरह का सिलेंडर बना लेना है, बस क्या करना है खाली गोल सिलेंडर बना लेना है पेपर से और उसके बाजू में जो मोटर के अंदर कॉयल रहता है वो कॉयल के वायर को साइड में लपेट लेना है, तो इस तरह का कुछ उसको लुक मिल जाएगा और लोकोमोटिव के ऊपर चिपका देना है। तो इतना तक लोकोमोटिव हमारा इतना तो कंप्लीट हो चुका है। तो स्टार्टिंग से एक बार रिकैप कर लेते हैं क्या क्या बनाया। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने बैटरी बॉक्स कंप्रेसर दोनों साइड में बना लिया है, एकदम दोनों क्रिस क्रॉस डायरेक्शन में लगाया है। और रूफ़ के ऊपर क्या क्या डिटेलिंग्स है वो तो मेरे को नहीं पता, नाम क्या है इसका, वही जो ऊपर के रूफ़ के ऊपर लगे हुए इक्विपमेंट्स है, इलेक्ट्रिकल केसिन और भी कुछ इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है वो सब बना लिया है। अभी बाकी है पेंटोग्राफ। तो गाइस अभी मैं पेंटोग्राफ बनाने जाता हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके पेंटोग्राफ बफर और कपलर के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए बाय।